शनिवार का दिन है, दो मैचेस रहेंगे आईपीएल में। सबसे पहले बंबई की गर्मी में राजस्थान की टीम आएगी। आपको लगता है कि शायद जयपुर में भी गर्मी होती है, लेकिन बंबई की गर्मी कुछ और होती है। और राजस्थान की टीम पता नहीं किस मनस्थिति में आ रही होगी। अगर वो ये सोच के आए कि भाई हमने हर चीज़ की फिर भी हम हार गए, तो फिर एक और मैच हार जाएंगे। वैसे क्रिकेट खराब नहीं खेले हैं वो, किंग्स इलेवन के खिलाफ शायद मैच जीत सकते थे, चेन्नई के खिलाफ रन बनाए उन्होंने, जल्दी जल्दी चार विकेट भी ले लिए, फिर भी जब आखिरी ओवर शुरू हुई 19 रन बाकी थे, और फिर जो एक अद्भुत सा आखिरी ओवर हुआ, ऐसा लगता है कि हर चीज़ उनके खिलाफ है। थोड़ी बहुत सहानुभूति है मुझे उस टीम के खिलाफ, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक ठाक सा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और फिर भी टेबल में इतने नीचे पड़े हैं। तो अगर वो मायूसी लेकर उतरे मैदान में, तो ये मुंबई इंडियंस के सामने वो शायद खेल ना पाए। और इसीलिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर है, मेरी नज़र नीचे वाली टीम पे होती है हर वक्त। तो मैं देखना चाहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स किस एटीट्यूड से खेलते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी टीम है। कायरन पोलार्ड फॉर्म में आ गए हैं, अगर रोहित शर्मा दोबारा खेलते हैं तो वो एक और बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज होते हैं, बॉलिंग अच्छी खासी कर रहे हैं। तो फेवरेट तो मुंबई इंडियंस रहेंगे ही, लेकिन याद रखें कि राजस्थान रॉयल्स में ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैच जिता सकते हैं, बस मनस्थिति उनकी देखनी पड़ेगी। कुछ वैसा ही हाल है आरसीबी का। जो बंगलोर में खेलते हैं, बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि क्राउड्स बड़े अच्छे होते हैं बेंगलोर के। आप जितना भी हारो वो फिर भी उम्मीद लेकर आते हैं, तो टीम में एक अलग सा प्रेशर बन जाता है कि भाई हमको देखने आ रहे हैं बार बार, और फिर भी हम उनके सामने जीत पेश नहीं कर रहे हैं। तो अब जो दूर गए हैं तो शायद थोड़ा प्रेशर कम हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सडन से एकदम से एक फ्रीडम सा आ जाता है कि भाई 6 मैच हार गए हम, अब और क्या होना बाकी है, इससे ख़राब क्या हो सकता है, चलो खुल के खेलते हैं। अगर खुल के खेलते हैं आरसीबी, अगर विराट कोहली सारा प्रेशर निकाल देते हैं अपने ऊपर, एबी डिविलियर्स हैं टीम में, मोइन अली अच्छा खेल रहे हैं, स्टॉइनिस हैं, अच्छे प्लेयर हैं उस टीम में, अगर खुल के खेलें तो शायद किंग्स इलेवन को एक सरदर्द हो सकता है। वो ज़रा बीच वाले परिस्थिति में है किंग्स इलेवन, 4 जीते हैं 3 हारे हैं, सोच रहे होंगे अगर हम हारें तो क्या होगा, ठीक ठाक क्रिकेट खेलें फिर भी टेबल के बीच में ही हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले मैच में मैंने कहा कि मेरी नज़र राजस्थान रॉयल्स पे रहेगी, यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी आरसीबी पे। मैं यही देखना चाहूँगा कि क्या वो खुल के खेलते हैं, अगर खुल के खेलते हैं तो आज भी आरसीबी में ऐसे प्लेयर हैं जो अपसेट कर पाएँ। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल के लिहाज से देखें तो आपको मानना ही पड़ेगा किंग्स इलेवन फेवरेट्स हैं। कभी कभी हम टीम देखते हैं जो, और ऐसा लगता है कि ये प्लेयर शायद इस मकाम तक खेल सकते हैं, उससे अच्छा खेल रहे हैं किंग्स इलेवन, लेकिन मुझे अभी लगता है आरसीबी अपसेट कर सकते हैं।